अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और सब खैरियत से होंगे? आज बिल्कुल छोटा सा व्लॉग बनाऊंगी क्योंकि आज इतनी ज़्यादा बिजी रही हूँ, मोबाइल को शायद मैंने टच भी नहीं किया और बस इधर उधर होते कमेंट्स का जवाब देती रही हूँ। तो ये जो खूबसूरत सी आप मेरी ये शलवार देख रहे हैं, एम्ब्रॉयडर्ड शलवार, तो ये अम्मी लेकर आई हैं क्योंकि अम्मी मेरी करती हैं कपड़े का काम, क्योंकि घर में उन्होंने छोटा सा बस सेटअप बनाया हुआ है और उनके पास ये बहुत ही खूबसूरत शलवारें आई हुई हैं। ये देखिए, तो इस तरह अम्मी को मसरूफियत भी हो जाती है, मसरूफ़ भी रहती हैं और आना जाना लोगों का बहुत ज़्यादा लगा रहता है अम्मी के घर। तो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत शलवारें आजकल आई हुई हैं, कम काम वाली भी हैं, ज़्यादा काम वाली भी हैं। तो मुझे ये तो इतनी ज़्यादा पसंद आई है, मैंने आते ही मैंने इसको पहना है और मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि वीडियो बनाओ, बस मैंने दिखाना है सबको। और ये कम एम्ब्रॉयडरी वाली हैं, ये अनस्टिच्ड हैं, ये भी लाई, ये भी मैंने ले ली है अम्मी से ना, ये वाली, ये भी बहुत अच्छी है। इसके साथ प्लेन कमीज़ लेकर और उसके साथ मैं ऊपर कुछ गले पे काम करा लूँगी और या फिर बटन देख लूँगी, कोई अच्छे एम्ब्रॉयडरी वाले बटन मिल जाएँ तो। और ये दूसरी, ये भी फुल एम्ब्रॉयडर्ड है, शलवार वाइट में है, ये भी स्टिच्ड है, मतलब स्टिच हुई हुई आई है अम्मी के पास ना, तो ये भी मैंने ले ली है, ये भी मुझे बहुत पसंद आई है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। तो जी सारा दिन बस किचन ये वो बातें बातें सब कुछ, फिर अम्मी लोग चले गए घर, तो अब मैं आ गई हूँ अपने पुराने रूटीन पे, मतलब क्लिनजिंग करने लग गई हूँ क्योंकि फिर बहुत लेज़ी हो जाती हूँ, जब बहुत रात हो जाती है तो फिर मुझसे बिल्कुल भी नहीं होती। तो अपनी सिस्टर्स को मैं यहाँ पर एक चीज़ मेंशन कर दूँ कि मैं डर्माकोस की बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही। आप लोग किसी भी ब्रांड का, अच्छे इससे भी अच्छे ब्रांड होते हैं, इंटरनेशनल ब्रांड होते हैं, और वो आप यूज़ करें, जो दिल करता है यूज़ करें, मैं बिल्कुल आपको वो नहीं करती कि आप यही लें, आप ज़रूर मस्ट है यही लें, नो, आप किसी भी अच्छे ब्रांड का लें। मेरा मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग क्लिनजिंग करें, और जो जो क्लिनजिंग कर रहे हैं उनके मुझे बहुत अच्छे फीडबैक मिल रही है कि हमें बहुत फ़र्क पड़ रहा है और मुझे बहुत खुशी होती है। मेरा मकसद यही है, आप ये चीज़ें बिल्कुल आपको सूट नहीं करती हैं, आप बिल्कुल छोड़ दें, यूज़ ना करें। मैं तो सालों से ये यूज़ कर रही हूँ ये चीज़ें, और लिविया का क्लिनजिंग लोशन ये भी मैं सालों से यूज़ कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इसका मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला है। और ये रोज़ वाटर, ये तो ये भी आम सी चीज़ है, आप वैसे ही अर्के गुलाब घर में भी बना सकते हैं, पानी में हल्का सा भिगो के रख लें इनको, फूलों को, और उसके बाद आप उसको पूरी रात वो पड़े रहें, सुबह एक उबाल दे के और बस उसको ड्रेन कर लें और उसको बॉटल में भरें स्प्रे वाली और उसी को यूज़ कर लें। और मैं बेसन पे ज़्यादातर जोर देती हूँ, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आप बहनों को ये चाहती हूँ कि आप सबकी स्किन अच्छी हो, आपकी स्किन हेल्दी हो, बस यही मेरा मकसद है, और तो कुछ भी नहीं। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अल्लाह ताला आप सबको अपने घर में हंसता बसता आबाद रखे खुशियों के साथ। और ये मैं मास्क लगा रही हूँ, मैं अब मैं रोज़ मास्क नहीं लगाती क्योंकि मैंने अपना एक कंप्लीट किया हुआ है इसका, जो 7 डेज़ वाला होता है, 7 डेज़ वाला इसलिए कहती हूँ ताकि स्किन अच्छी से मैल उसकी निकल जाती है, 3-4 दिन के बाद मैं ये लगा लेती हूँ। बस क्लिनजिंग वगैरह करके अब मैं आ गई हूँ किचन में, तो अब बाकी काम जो है मेरे होते रहेंगे, क्लिनजिंग, फिर अगर मैं काम करके जाती हूँ तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता, मेरा दिल करता है बस अब मैं सीधी बेड पर सो जाऊँ। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में बर्तन धोने, रात की सफाई जो है वो मैं करके सोऊंगी, और इसकी सफाई करके किचन की, इसके बाद मैं आपको मनाल की जो शर्ट्स हैं वो भी दिखाऊंगी, वो भी अम्मी ही लेकर आई थी, मतलब मैंने अम्मी से मंगाई थी मैंने मनाल के लिए।
तो ये शॉपिंग तो चलती रहती है, गर्मियों की शॉपिंग ज़्यादा होती है क्योंकि गर्मियों के कपड़े जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा लेने पड़ते हैं। सर्दियों में इतना नहीं होता, सर्दियों में अगर घर के 4-5 सूट भी, जैसे आपने मुझे देखा होगा, 4-5 सूट है जो कि मैं बार बार वही पहनती हूँ, और वो बेचारे अभी तक, मतलब ढीठ कपड़े होते हैं ना सर्दियों के, तो जल्दी ख़राब नहीं होते। तो मैं दिखाऊंगी आपको मनाल के ड्रेसेस, ये वाले, ये मुझे फ्रोजी बहुत अच्छा लगा है। किसी ने मुझे कहा था कि मनाल के कपड़े दिखाए हैं ताकि हमें आइडिया मिले कि किस तरह से स्टिच करने हैं। ये ऊपर से गला नहीं बना हुआ, इसी तरह बस सिंपल सा उन्होंने डोरी डाल के और गले वाली जगह रख के इस तरह बनाया हुआ है, और ये नीचे भी डोरियाँ उन्होंने लगाई हुई हैं, और ये भी सिंपल सा गला है, ऊपर भी उन्होंने डोरी सी दी हुई है। ये वाली शर्ट भी बिल्कुल सिंपल है, ये इसके बस बटन लगे हुए हैं, लेकिन स्टिचिंग अच्छी हो ना, तो सादा सा भी सूट हो तो वो अच्छा लगता है। स्टिचिंग एक बैलेंस हो अच्छा, आपका टेलर जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तो आम से कपड़े को भी रंग लग जाते हैं। तो यहाँ तक था मेरा आज का वीडियो, तो मिलूँगी आपसे इंशाल्लाह कल लंबी लंबी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।